हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स .com. सो आज तीसरा दिन है IBPS PO मेगा सीरीज का, जो हमने स्टार्ट करी थी आई थिंक दो दिन पहले. पहला वीडियो तो मैंने बताया था कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी पूरी मैंने बताई थी. दूसरा वीडियो था कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, क्या टेक्निक आपको अपनानी चाहिए. आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि एग्जाम जब आप देने बैठते हैं तो कैसे आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सवाल पूछा है. आप सब स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सारी मेल्स भेजी और उन सभी मेल्स को पढ़ने के बाद 30-40% जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये एक सवाल था कि सर मैं 60 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ एक घंटे में, या 65 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी कैलकुलेशन स्पीड में प्रॉब्लम है. आप बताइए कि कैसे मैं अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करूँ. सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पॉइंट नंबर वन है, ये जो आप लोग ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, ट्रिक्स देखते हैं मैथमेटिक्स की, वो बिल्कुल काट दीजिए. आपको कोई भी ट्रिक फॉलो करने की ऐसे जरूरत नहीं है. जो सिंपल तरीके हैं जो आपने बचपन से सीखे हैं उसी को फॉलो कीजिए. बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, एम टायरा की जैसे बुक है, या वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स हैं. वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स को सीखने के लिए, उसे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए. अगर आपके पास 2-3 महीने 4 महीने हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वैदिक मैथ्स को सीखना इज नॉट द राइट टाइम. मैं मानता हूं कि वैदिक मैथ्स एक बहुत अच्छी एक तरह का एक सब्जेक्ट है, वो एक प्रॉपर सब्जेक्ट है. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप 1 हफ्ते में 10 दिन में उसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं. ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए. वैदिक मैथ्स को आप अवॉइड कीजिए अगर आपके पास 2 महीने का टाइम है प्रिपरेशन के लिए. और ऐसी बुक्स जिसमें वैदिक मैथ्स को उठाकर पूरा डाल के क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, तो वो मत कीजिए. तो ट्रिक्स को बिल्कुल ना कहूंगा. बैक टू सिंपल, सिंपल टेक्निक्स पे आइए. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. तो मेरा नाम है रमनदीप सिंह, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं IBPS PO के प्रिपरेशन कोर्स की, ये आपको रेगुलर मिलती रहे डेली. तो चलिए शुरू करते हैं. ये शायद आप किसी भी मैथ्स की क्लास में जाते हैं, अगर कोई अच्छा टीचर है तो सबसे पहले आपको यही रिकमेंड करेगा कि भाई सबसे पहले 30 तक के टेबल याद कर लो. 30 तक के टेबल याद करने बहुत जरूरी हैं. नॉर्मली मैं देखता हूं कि 12-13 से आगे के टेबल स्टूडेंट्स को नहीं आते. जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल तक के होते हैं उन्हें 12-13 तक के टेबल ही आते हैं. अप टू 15 तक याद होते हैं, 14 का भी नहीं होता, 12-13 तक याद होते हैं. लेकिन इससे नहीं चलेगा, आपको 17 का टेबल भी आना चाहिए, 18 का भी आना चाहिए, 123 का भी आना चाहिए. अगर आपको टेबल्स जो हैं 30 तक नहीं आते तो बहुत मुश्किल है. वो जो आप वैदिक मैथ्स में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, नई नई टेक्निक सीख रहे हैं, उसमें ऐसा होता है कि 99 से मल्टीप्लाई करने की अलग टेक्निक है, 75 से मल्टीप्लाई करने की अलग टेक्निक है, 6 से मल्टीप्लाई करने की अलग टेक्निक है. इतनी टेक्निक्स मत सीखिए. एग्जाम में 60 मिनट है, कितनी टेक्निक्स यूज करेंगे, नहीं कर पाएंगे. तो 30 तक का पहले टेबल सीख लीजिए, उसके बाद स्क्वायर सीख लीजिए. अप टू मैं बोल रहा हूँ अप टू 25 या 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लीजिए. और क्यूब्स जो हैं वो 15 तक के ही कर लीजिए, बहुत है. 15-20 तक कर लीजिए, जितने तक आपको याद होते हैं. स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है और टेबल्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने अभी स्टार्ट किया है या फेल हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछले 1 साल से एग्जाम दे रहे हैं वो इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि अभी तैयारी शुरू की, 1 महीना भी नहीं हुआ और SBI का एग्जाम देने जा रहे हैं, RBI का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं. आप अपना बेस बनाइए पहले. आप टेबल्स याद कीजिए, स्क्वायर्स याद कीजिए, ये सब कीजिए पहले. उसके बाद सोचिए मुझे मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद जाइए एग्जाम देने. मॉक टेस्ट देने का या एग्जाम देने का ये राइट समय नहीं है अगर आप रेगुलरली फेल हो रहे हैं या अगर आपने अभी शुरू किया. तो स्क्वायर और क्यूब याद करने के बाद फ्रैक्शंस पे मैं आता हूं. यहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रैक्शंस में. रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का जो चैप्टर है उसका एक पार्ट है वैसे परसेंटेजेस का, लेकिन थ्रू आउट द होल आप कह लीजिए एग्जाम ये फ्रैक्शन टेक्निक यूज होती है. कल मैं NICL का जैसे स्क्राइब का मैंने जैसे आप स्टूडेंट्स को बताया था, एज अ स्क्राइब में गया था अपेयर होने,
वहां पे डेटा इंटरप्रिटेशन में ये फ्रैक्शन की टेक्निक यूज हो रही थी। इंस्टेड ऑफ ऐसे था कि ए जो आई थिंक कंपनी थी, उसका ए इंस्टीट्यूट था, उसके नंबर ऑफ एज ए स्टूडेंट इंक्रीज। ये तो बहुत इजी था, यहाँ पे 128 लगा लीजिए, 335 लगा दीजिए, कितना इंक्रीज हुआ। ये जो परसेंटेज था ये फ्रैक्शंस में था, ऐसे 188, 175 ऐसे था। अगर आप डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, आपको फ्रैक्शंस की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। फ्रैक्शंस पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका जो वीडियो है वो आप जरूर देखिए, मैंने आई थिंक 10 दिन पहले वीडियो डाला था, उसका मैं नीचे लिंक डालूंगा। है कुछ नहीं है, सिंपल है वो, जैसे 1 over 2 इज इक्वल टू 50%, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। 1 से लेके, याद मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम में अगर आपसे कोई पूछ ले कि 7 over 13 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो आप कर पाए, आपसे कोई पूछे कि 23 over 8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो आप कर पाए आसानी से। अगर आप ये कर पाते हैं तो डीआई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्वांट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे, आपकी स्पीड नेचुरली बढ़ जाएगी। ये एक मैजिक ट्रिक है, मैं कहता हूं। टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, उसके बाद फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का अलग से वीडियो है। दो चीजें आपने सीखनी है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज ये कन्वर्ट करना, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगेन। इसकी मैंने बहुत सिंपल सी टेक्निक, एक वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, सिंपल टेक्निक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। ये एक टेक्निक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंस्टेंट की आप पूरा पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करें, सबसे पहले ये जो मैं आपको बता रहा हूं पहले ये करें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहता हूं, जो सभी टॉपर्स जो है यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं, मैं कोई मैजिकल ट्रिक मैंने आज तक यूज पर्सनली नहीं करी है, ये मैं आप सबको आज रिवील कर रहा हूं। ना मैंने, ना जितने भी मेरे आज तक के स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने आरबीआई, सेबी, इवन आईबीपीएस, एसबीआई के पेपर क्लियर करे हैं, आज तक उन्होंने कभी भी कोई मैजिक ट्रिक ऐसी वैदिक मैथ्स को यूज नहीं किया। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो वैदिक मैथ्स को यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एस्टिमेशन यूज करते हैं। यस, एस्टिमेशन। आप इतने सारे क्वेश्चन 60, आप 60 मिनट में कैसे 60 क्वेश्चन कर सकते हैं? एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा आपको। जैसे आपको एक तरीका बताता हूं, 398 मल्टीप्लाइड बाय, आप कह लीजिए 41, इसका आंसर क्या है? आप बताइए, आप कैलकुलेट कीजिए, आप वैदिक मैथ्स कीजिए, कुछ भी कीजिए। अगर मेरे पास सामने ये क्वेश्चन होता तो मैं क्या करता? मैं सामने सामने देखता, यार ये इसके आसपास जो है ये 400 के तकरीबन तकरीबन है, और ये 40 के तकरीबन तकरीबन है, 4 4 16, नियर अबाउट 16,000 मेरे हिसाब से आसपास, 16,000 के आसपास है। तो ये मेरी टेक्निक है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप स्क्वायर्स वगैरह की भी बात करें, या मान लीजिए कि आपको आपको किसी ने वैसे, इवन डिवीजन पे, स्क्वायर्स पे, हर जगह ये यूज होगा, इवन डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो मैं कहता हूँ 95% स्टूडेंट जो क्रैक करते हैं वो एस्टिमेशन यूज करते ही करते हैं। आपसे ऐसे पूछ लिया, मान लीजिए आपके पास सिर्फ 3 4 मिनट बचे हैं और आपने एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट करना है, मान लीजिए ऐसे सिंपल सा दिया हुआ है कि पहले साल जो प्रॉफिट था वो 38 समथिंग था, अगली बार जो है वो हो गया अपना 62। आप ग्रोथ निकालिए कितनी है, कितनी ग्रोथ है निकालिए। तो अगर तो आप यहां पे एस्टीमेशन लगाएंगे तो आप एकदम से बता देंगे जी इतना परसेंट है, कितने परसेंट है। आप खुद से सोचिए भी, क्या ये पॉसिबल है कि आप 100 क्वेश्चन विदाउट एनी एस्टीमेशन निकाल लें? ये जो लोग कहते हैं कि वैदिक मैथ्स यूज करते हैं एग्जैक्ट आंसर, नहीं, पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट आंसर निकालना ही पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी है एस्टिमेशन की। जैसे इसकी मैंने एग्जाम्पल दी है 38 to 62, 12, अब यहां से देखिए 50 से 12 कम है और ये 12 ज्यादा है 24, 24 38 का कितने परसेंट है निकालिए। अब यहां पे चीज देखने वाली है, अगर मैं आपकी जगह होता, ये निकलता है 2 पे और ये निकलता है नियर अबाउट 3 पे, ये नियर अबाउट कह लीजिए 2/3 बनता है, ये तो नियर अबाउट 60 65 से 70%। एग्जाम में अगर आपके ऑप्शन ऐसे निकलती हैं 50%,
60%, 65%, 70%, अगर ऐसी ऐसी ऑप्शंस हैं आपके पास, नॉर्मली आप चेक करेंगे एग्जाम में इतनी दूर दूर ऑप्शन होती हैं। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है जिसमें ऐसे होता है कि 51, 52, 51.5%, ऐसी ऑप्शंस बहुत कम होती हैं। बैंक एग्जाम्स में इवन SBI PO मेंस के भी जो पेपर आते हैं उसमें ऑप्शंस में काफी डिफरेंस होता है। एक 50% दिया है तो अगला 60% दिया होगा, तो उसके बाद 65% दिया होगा, इतना इतना डिफरेंस होता है, बहुत नॉर्मल है। यही मैजिक ट्रिक है, यही मैजिक रेसिपी है, आपको एस्टिमेशन लगाना सीखना पड़ेगा। इवन अप्रोक्सीमेशन नाम का चैप्टर है, SBI वाले चाहते हैं, IBPS वाले चाहते हैं कि आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना आता हो। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही दूर दूर का अप्रोक्सीमेशन लगाएं। अप्रोक्सीमेशन लगाना है, एस्टिमेशन लगाना एक स्किल है, और ये स्किल में परफेक्ट होना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो बिना पेन को यूज किए क्वेश्चंस DI के क्वेश्चंस करते हैं। इवन हम लोग भी बैठे कई बार टीचर्स हैं, हम क्वेश्चंस को देख के बताते हैं कि यस इसका तकरीबन तकरीबन आंसर 65-67 है, या इसका तकरीबन तकरीबन आंसर 100-101 है। आप अच्छे अच्छे टीचर्स के पास जाइए, उनको कहिए सर इसका आंसर क्या है, आप उनको निकालते हुए देखिए, वो पेन का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, दो चार लाइंस लिखेंगे, फिर तक आपको ऐसे फट से बताएंगे कि ये जी इसका आंसर 168 है, आप देखेंगे सर ये 165 है, तो चलिए 100-150 ऑप्शन था, 160 था, 170 था, 165 था, तो वो बंदा बिल्कुल आपको नियर नियर अबाउट आंसर बता देगा। वो कैसे बता रहा है? कोई भी टीचर, कोई भी गाइड, कोई भी मेंटोर या कोई भी आइडल आपको आपको यही नहीं बताएगा कि वो एस्टिमेशन की टेक्निक यूज कर रहा है, क्योंकि इसमें उसकी खुद की इंसल्ट है। वो बताना चाहता है आपको कि वो खुद से मेहनत कर रहा है, वैदिक मैथ सीख रहा है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके 70-70 नंबर ला रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद ने और जो टॉपर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है अच्छे मार्क्स लेके, सब लोग एस्टिमेशन को यूज करते हैं आई एडमिट, एंड बहुत कम लोग जो है वैदिक मैथ्स यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने वैदिक मैथ्स 1-1.5-2 साल तक प्रैक्टिस किया है तो उससे अच्छी चीज कोई नहीं है। तो आपको आज की डेट में मैं यही रिकमेंड करता हूं कि एस्टिमेशन को जरूर प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, आज से ही कोशिश करें कि जैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है 3, 9, 8, 7, 4 × 4, 3, 2, 1, इसको एस्टिमेशन से सॉल्व करें। इवन डिविजन्स, ऐसी ऐसी डिविजन्स करने की कोशिश करें, इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, एस्टिमेट लगाएं, तकरीबन तकरीबन लगाएं कि ये तकरीबन तकरीबन आप कह लीजिए 240 है, इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट डीप। अभी यहां पे देखने वाली चीज ये है, अभी आप देखिए डिवीजन हम कर रहे हैं, ऊपर वाला जो नंबर है इसको तकरीबन हम चाहे 48,000 पे भी ले आए तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसको 48,250 पे ले आते हैं एंड इसको 240 पे ले आते हैं, तो अभी इसको करना कितना आसान हो गया, कितने स्टेप्स कम हो गए हैं। चाहे आप इसको 2-4 पे डिवाइड कीजिए फिर तो बिल्कुल ही आसान हो गया, लेकिन अगर आप इसको 482/24, अभी और भी कर सकते हैं इस पे, आप काफी आगे तक सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 2, 4, 1 और 12, और इस पे आप देखिए तकरीबन तकरीबन आंसर निकालिए, मेरे हिसाब से तकरीबन तकरीबन ये 20-21 के तकरीबन तकरीबन 19-21 के बीच बीच में होगा। लेकिन अगर आप अपनी परसेंटेजेस के हिसाब से ऐसे निकालने लग जाएंगे तो फिर तो आपको सदियां बीत जाएंगी, 1.5 से 2 मिनट तो यही आपका ले जाएगा। तो आप कैसे करें, आपके सामने मैंने जब 5 सेकंड में करा, मतलब कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि बोर्ड पे करते हुए अगर आप कहेंगे सर 19 से 20 के बीच बीच में है तो आप कहेंगे सर ये कुछ है, ये कोई तरीका थोड़ी है पढ़ाने का। हर बंदा, हर स्टूडेंट कहेगा ये तो बड़ा अजीब सा तरीका है पढ़ाने का, ऐसे कौन सॉल्व करता है। लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा, आप माने या ना माने, यही तरीका है, इसी को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, ये Day 3 था IBPS PO मेगा प्रेप सीरीज का। सबसे पहले ये चैनल को जरूर पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगले कल की वीडियो में मैं दे सकूं, एंड GK डाइजेस्ट जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है ये जरूर इंस्टॉल करें ताकि दिन में 5 मिनट लगा के आप अपनी GK को बिल्कुल परफेक्ट कर सकें। आज का जो पेपर आया था SBI PO का वो GK पे ही था, क्योंकि GK सेक्शन ईजी था, DI बहुत टफ था, रीजनिंग टफ था और इंग्लिश भी टफ थी, सिर्फ GK के सिर पे लोग पास होंगे मैं तो कहता हूँ, बहुत डिफिकल्ट पेपर था। एंड प्लीज हमारी स्मार्ट प्रेप किट जो है IBPS PO के लिए, मेरी स्मार्ट प्रेप किट हमने बनाई हुई है, तो वो आप लेना चाहते हैं तो प्लीज लीजिए, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बैंक
स्पेलिंग गलत है। चलो ये सब मैं आपको दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मेल्स मुझे मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेल्स आ रहे हैं, तो प्लीज कोशिश करें मेल्स को छोटा लिखें, बड़ी बड़ी मेल्स ना लिखें। एंड अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो ये समझिए कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था और मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। 10-12 क्वेश्चंस को इकट्ठा करके मैं एक वीडियो बना देता हूँ। जैसे स्पीड का मुझे लोगों ने बोला, स्टूडेंट्स ने, तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया। कल हम एस्टिमेशन पे एक वीडियो बनाएंगे, अगेन एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन के मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा एस्टिमेशन टेक्निक्स यूज करके। तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन होगा नीचे, घंटे का बटन होगा वो दबाइए, एंड जीके डाइजेस्ट जरूर इंस्टॉल कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात को 9:30 बजे। चलिए हैव अ नाइस डे, बाय।